सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। ये खबर अंग्रेजी अखबार डेक्कन हेराल्ड ने छापी है। दावा किया गया है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करने पर विचार कर रही है। इस खबर के स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल सोमवार को डेक्कन हेराल्ड में छपी इस खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ इसका विलय कर दिया जाएगा। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीमें चलती रहेंगी। खबर के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारियों ने इस मामले पर कुछ भी बताने से तो मना कर दिया, लेकिन अखबार के सूत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक मामलों के लिए एक अलग मंत्रालय की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक ये मंत्रालय सिर्फ मनमोहन सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बनाया गया था। अब मोदी सरकार इसे दोबारा से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत लाना चाहती है। खबर की सच्चाई भी जानेंगे, लेकिन पहले बता दें कि यूपीए सरकार द्वारा साल 2006 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया था। अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(ग) के तहत 6 समुदायों को केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक के तहत अधिसूचित कर रखा है। इनमें मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख शामिल हैं। वायरल खबर की सच्चाई जाने इससे पहले आपको याद दिला दें कि इसी साल जुलाई में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा कार्यकाल की समाप्ति पर पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। खबर में छपी रिपोर्ट में तो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सईद नासिर हुसैन के बयान का भी जिक्र है, जिसमें वो कहते हैं कि भाजपा ऐसा करके समाज को बांटना चाहती है। ऐसा मंत्रालय कांग्रेस वाली यूपीए सरकार इसलिए लाई ताकि अल्पसंख्यक मुख्य धारा में आए और उनका विकास हो, लेकिन भाजपा सरकार तो हर अवसर को अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही प्रयोग करती है। हालांकि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करने के दावे वाली इस खबर को खारिज कर दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से एक ट्वीट में ये स्पष्ट किया गया है कि सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इससे ये साबित होता है कि खबर में किए गए दावे में कोई सच्चाई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।